हेलो दोस्तों, आज हमारे खेत में जहाँ पे आधुनिक उपकरणों की हेल्प से खेती की सिंचाई की जा रही है, जिसे ड्रिप इरिगेशन ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, साथ ही साथ इन उपकरणों को यूज करने में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे आप समय के साथ साथ पैसों की भी बचत कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेवों को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मनोज पटेल आपको बताएंगे ऑटोमेशन के बारे में। जिस तरह से ऑटोमेशन से आप एक खेती का संचालन कैसे कर सकते हो, थोड़ा बता सकते हो मनोज जी? हाँ, जैसे कि ऑटोमेशन के लिए पहले तो हमने एक वाटर पाउंड बनाया है स्टोर पानी स्टोर करने के लिए, जिसे नर्मदा जिसे पानी इसमें यहाँ पे डालते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो इसलिए बनाया है, जो प्रेशर ड्रिप के लिए प्रेशर अच्छा चाहिए रहता है, तो इसमें स्टोर करके फिर यहाँ पे एक 10 HP की मोटर पंप है, जिससे ऑटोमेशन तक ले जाने के लिए है ये। उससे फिर उसके बाद ऑटोमेशन से वाल वगैरह जो भी सिस्टम है उससे पानी चलता है। तो कितना गहरा है इसका, मतलब घन फीट आप बता सकते हैं? ये 14 फीट गहरा है। हाँ, और ये 50 फीट लंबा है, लंबा, और 40 फीट चौड़ा है। तो किससे, तो इसका कितना खर्चा आया होगा बनाने में? इसमें इसको बनाने में समथिंग इसमें आया है 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा। और इसके साथ जो आप ये जैसे इसमें इसमें ये हेवी वाली यूज होती है, इसको गड्ढे के हिसाब से इसको इंक्रीज करके जो कितनी लगती है अपन को, तो उस हिसाब से अपन इसको ऑर्डर करके ये आ जाती है, गड्ढे के नाप से बन के आ जाती है। जैसे ये 35 से 40 हज़ार के समथिंग आई थी ये। ओके सर, तो जैसे बनवाने को किसी को दिया था कि नहीं? ये हमने खुद ही बनवाया था, जेसीबी से बनवाया, ये जेसीबी से खुदवा के बनवाया है। खुद ने बनवाया था? हाँ। आप पॉलीथीन लाए थे, खुदवाया आपने खुद? हाँ, खुद नहीं, ये पूरी लगवाई, मतलब कि नॉर्मल जैसा गड्ढा होता है उस तरह से आपने? हाँ, इसका थोड़ा सा वो गड्ढा स्लोप में वो होता है, खोदते हैं, जैसे पूरा खाई टाइप नहीं होता है, ये स्लोप में जैसे गिरने का मट्टी धसने का वो नहीं रहता है। ओके सर, जैसे ये 10 HP की मोटर है, तो ये अंदर आपको ऑटोमेशन पूरा सिस्टम है? हाँ, अंदर पूरा ऑटोमेशन सिस्टम। थोड़ा बता दीजिए अंदर, जैसे ये DP जो आपने यूज की है ट्रांसफार्मर जो, तो ये स्पेशल यहाँ के लिए आपने किया है कि? हाँ, स्पेशल हमने यही के लिए की है। इसके तो आपकी प्राइवेट है? प्राइवेट है ये। तो कितना है ये? ये 25 की है, 25 किलोवाट की। हाँ, ये ऑटोमेशन के लिए रूम बना है, इसमें पूरा ऑटोमेशन वगैरह। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हो, ये कमरा है, ये कितने बाय कितने का होगा? ये 15 बाय 20 बाय 25 का, 20 बाय 25 का कमरा है, जहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेशन के पूरे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर तो बाहर देख चुके हैं। तो सर, वन बाय वन एक इक्विपमेंट के बारे में बताते जाइए कि कौन सा क्या यूज में आता है। जैसे ये बाहर से जो मोटर लगी है, उससे पहले यहाँ से पानी आता है, इन आता है इसमें से, यहाँ से इन पानी होके फिल्टर होके ये ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा हुआ है, जैसे हर ये 15 मिनट में फ्लशिंग होता है, ऑटोमेटिक साफ हो जाता है इससे पानी, इससे कचरा वगैरह ड्रिप चोक होने का वो नहीं रहता है इसमें कुछ। उसके बाद यहाँ से पानी जाता है उधर, यहाँ पे पाइप्स वगैरह लगे हैं जो ऑटोमेशन के लिए गए हुए हैं, कंट्रोलिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये वाल लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली, मैनुअल भी चला सकते हैं वाल वगैरह, जैसे मैनुअल चलाने के लिए इसको हाथ से इसे ओपन करें तो ये मैनुअली हाथ से चल सकते हैं। ऑटोमेशन बंद हो या कुछ खराबी आ सकती है तो इसके लिए आप इसको यहाँ से भी मैनुअली हाथ से अपन कर सकते हैं, जैसे अभी ऑन है इसे इसे ऑफ हो जाएगा। तो और इसके बाद जैसे मैनुअली ये कनेक्ट किससे किए गए हैं? ये ऑटोमेशन से कनेक्ट हुए हैं। हाँ, और ये ऑटोमेशन से पूरा कंट्रोल होता है, और इसमें वाटर मीटर भी एक लगा हुआ है कि अपन को पानी लीटर से चलाना है या फिर हॉर्स से चलाना है घंटे से,
तो ये वाटर मीटर लगा है काउंटिंग के लिए। तो मतलब इसमें लीटर भी काउंट कर सकते हो और हॉर्स भी काउंट कर सकते हो। सर जैसे कि फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगा, जैसे वो फिल्टर लगा हुआ है तो उसकी कॉस्ट कितने हुए? उसकी कॉस्ट 3 लाख आई थी। 3 लाख? तो ये पूरा फिल्टर ऑटोमेटिक हो जाता है? हाँ, ये पूरा फिल्टर मतलब इसका डिस्चार्ज है, ये 1 लाख डिस्चार्ज है इसका। पानी मतलब 1 घंटे में 1 लाख पानी ये डिस्चार्ज कर सकता है इससे। जैसे इसका अपने हाँ इसमें यहाँ पे मीटर लगा हुआ है फिल्टर का। जैसे अपन को इसको फ्लशिंग किस टाइम कितने टाइम पे करना है, 15 मिनट या 20 मिनट, ज्यादा कचरा आ रहा है तो इसको कम टाइम पे कर सके फ्लशिंग कर सके सेट करके। तो ये फ्लशिंग का वाटर कहाँ से निकलता है? ये इसका फ्लशिंग का वाटर यहाँ से आउट होता है सर। तो ये बाहर वापस गड्ढे में चले जाता है पाउंड में। ये इनवायरी वाल, जैसे वाल जैसे अपन वाल चालू नहीं हुआ है तो इससे पानी उधर पाइपलाइन वगैरह फटने का डर नहीं रहता है फटने का। जैसे रिटर्न ये इनवरी वाल इसको बोलते हैं, रिटर्न वाल। रिटर्न वाल हाँ, एनआरवी वाल। इसके बाद ये ऑटोमेशन? हाँ सर, ये अभी ये क्या लाइट बन है, अभी इसको चला के दिखा देते थे पर अभी लाइट बन है। इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है, जैसे अपन को फर्टिलाइजर चलाने के लिए भी इसमें जैसे टैंक है ये, तो इसमें फर्टिलाइजर डाल के इसमें ऑटोमेशन में सेट करके किस टाइम पे अपन को फर्टिलाइजर चलाना है। इसमें ये टैंक 4 टैंक का डीकम्पोजर चलाते हैं इसमें, जैसे और इसमें पोटास और उसमें यूरिया। हाँ, इसमें डाल के घोल के फिर इसमें टाइम वगैरह सेट करके, जैसे अपन को खेत में कौन से वाल में कितनी देर चलाना है, 1 घंटा चलाना है या 2 घंटे चलाना है, तो उसमें सेट कर देते हैं टाइमिंग। उस टाइमिंग में वो चलता है और किस टाइमिंग के बाद खाद चलाना है मतलब फर्टिलाइजर चलाना है, तो उसमें सेट करके जैसे 1 घंटा चलाना है अपन को, उसमें खाद भी चलाना है उस टाइम में। तो जैसे 15 मिनट अपन पहले पानी चला देते हैं, उसके बाद 15 मिनट अपन को खाद चलाना है, तो उस टाइम से ये इसमें सेट कर देते हैं। 15 मिनट पानी चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक खाद भी चलने लग जाएगा। खाद 15 मिनट चलने के बाद ये बंद हो जाएगा, खाद चलना, पानी चलेगा। दोस्तों आप, मैं आपको ट्राई करता हूँ डिटेल में बताने की कि ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम काम कैसे कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मॉडर्न फिल्टर है जिसमें मीटर लगा हुआ है, जिसका काम क्या रहता है कि पर्टिकुलर टाइम पे फिल्टर को फ्लश करना है, जैसे किसी तरह का जाम नहीं हो और पाइपलाइन में वाटर का संचालन अच्छी तरह से हो। यदि बाय चांस जाम हो जाता है तो इसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो कि इमरजेंसी में काम करता है। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि एक आउटलेट लगाया गया है जो कि एक आयरन पाइप से जोड़ा गया है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ जो आयरन पाइप है इसमें वाटर मीटर लगाया गया है और एंड में आप देखोगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स से दिए गए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में मनोज जी ने आपको आगे बता चुके हैं। मैं इसके साथ आपको बताता हूं कि ऑटोमेशन से फर्टिलाइजर कैसे किया जाता है खेतों में। जैसे कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ टैंक जो कि रेक के ऊपर रखे हुए हैं, जिससे एक आउटलेट लिया गया है जो कि एक पीवीसी पाइप है और इसके साथ वाल्व भी कनेक्ट है। जो नंबर ऑफ पीवीसी पाइप जो मेन कंट्रोलर है उसके ओर जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये मेन कंट्रोलर की ओर आ रहे हैं और इसमें एक पाइप लगा हुआ है जो कि बड़ा है अदर पाइप की तुलना में। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था जो मेन आयरन पाइप है उसमें 2 पॉइंट छोड़े गए हैं, जो एक पॉइंट है वो इनलेट के तरह काम करता है ऑटोमेशन कंट्रोलर के लिए। जैसे कि आप नीचे पंप देख रहे हो इसमें क्या है कि एक इनलेट की तरह काम करता है जो कि पानी को खींचता है और पर एक आउटलेट लगा हुआ है जो पानी को बाहर की ओर धकेलता है, जिसमें पानी का बहाव होता है प्रेशर से। अब क्या होता है कि जो ऑटोमेशन कंट्रोलर है उसमें पर्टिकुलर रेशो में फर्टिलाइजर को सेट किया जाता है, किस टैंक का फर्टिलाइजर कितने रेशो में आपको पानी के साथ मिलाना है, जो कि एक पानी का जो एक पानी का पाइप है मेन उसके साथ फर्टिलाइजर को मिक्स करता है। इसके बाद आप देखोगे फर्टिलाइजर मिक्स होने के बाद एक पाइप के थ्रू जो मेन आयरन पाइप है उसमें जाता है और वहां से कनेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेस है जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है चलाने में? कुछ जैसे कुछ इसकी दिक्कतें आती है, जैसे कुछ ये चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ दिक्कत आ रही है, बैटरी वगैरह या सेल वगैरह, तो इसको मैनुअल भी चला सकते हैं।
हाथ से मतलब वाल वगैरह को खेतों में मतलब पानी के लिए मैनुअल साइड में अलग अलग साइड को इसको वाल चला सकते हैं पानी। इसमें हमने ये अलग से एंचुरी लगवाई है फर्टिलाइजर चलाने के लिए, जैसे वो कुछ चोक वगैरह हो जाती है तो ये भी ऑटोमेटिकली ऑप्शन के लिए अलग से एक एंचुरी है ये वाली। जैसे प्रेशर तो वाटर का मिल रहा है आपको, वहां से वो फिल्टर के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देते हो मशीन को। डिस्कनेक्ट होके इससे ये इससे आप मैन्युअली कर सकते हैं जो आम किसान करते हैं। हाँ, जो आम किसान करते हैं। ओके, जैसे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके लिए है। ओके सर, तो जैसे ये मशीन तो आपने इंस्टॉल करी हुई ऑटोमेशन की, इसका खर्चा बजट कितना आया था? इसका खर्चा 12 लाख आया था टोटल। 12 लाख का। ये मशीन के अलावा कुछ और इक्विपमेंट मिले थे? इसके अलावा जैसे वाटर पाउंड है गड्ढा वगैरह वो करवाया इसके लिए, जैसे इसके लिए रूम बनवाया। ओके, तो टोटल मिलके 12 लाख। हाँ टोटल। मैं ये पर्टिकुलर मशीन का है कि? ये इसका पर्टिकुलर इसका है 10 लाख रुपए। ये पर्टिकुलर हाँ मशीन का सेट का। ओके। और इसमें फिल्टर वगैरह मशीन मतलब ये दो चीज वो मशीन और फिल्टर। हाँ मशीन और ये ऑटोमेशन मतलब या फिल्टर और ऑटोमेशन। सिंपल क्वेश्चन हो गए, जैसे ये ऑटोमेशन लगवाने के लिए आपने किससे कॉन्टेक्ट किया था वो थोड़ा बता सकते हो? नेटाफेम कंपनी से इससे संपर्क किया, जो खरगोन में डीलर है जी उनसे संपर्क किया था। ओके सर, तो जैसे जो डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर तो आप दे दोगे? हाँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगा, जिसको भी जानकारी लेना है वो ले सकते हैं। तो सर जैसे आप बता सकते हो कि इसका कितना यूज कर सकते हो और इसके और भी ऑप्शन है इस कंट्रोलर के अलावा? हाँ जैसे इसके और भी ऑप्शन है, इससे छोटा कंट्रोलर भी लगा सकते हैं किसान। जो छोटा कंट्रोलर लगाएंगे उससे कम वो होगा, कम ये एरिया कम कवर होगा। जैसे ये बड़ा कंट्रोलर है तो ये जैसे लाइट 10 घंटे चल रही है तो ये 20 बीघा कवर कर सकता है ये। हाँ लाइट 10 घंटे चल रही है तो ये 20 बीघा कवर कर सकता है। जैसे इसमें अपन केले की फसल में 2 से 2.5 घंटे चलाते हैं ड्रिप पानी चलाते हैं तो ये आराम से कंट्रोल 20 बीघा कर सकता है 10 घंटे में। तो ये मोटर भी जैसे 10 हॉर्स पावर की लगाए उसको भी एडजस्ट कर सकते? हाँ जैसे छोटा कंट्रोलर लगेगा उसमें कम छोटी मोटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे उसमें छोटी यूज करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा उसमें तो उसको उसके लिए छोटी यूज करो। उसमें फिल्टर भी छोटा आएगा आपका तो पानी उसका डिस्चार्ज जो रहेगा वो कम डिस्चार्ज ही करेगा। जैसे ये 1 लाख डिस्चार्ज करता है तो वो 50,000-60,000 डिस्चार्ज करेगा। जैसे कि ये तो वो हो गई आम बात, और किसानों को कुछ बताना चाहोगे कि ऑटोमेशन किस किसान को करना चाहिए? समृद्ध किसान ही अधिकतर तो करता है, छोटे किसान के लिए तो क्या है कि वो कर नहीं पाता है, लागत थोड़ी सी बजट ज्यादा है। इसे छोटा भी सेटअप भी करेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए तो छोटे सेटअप में भी लगेंगे। आमतौर पर मैं बहुत से किसानों को देखता हूँ जिनके पास जमीन तो रहती है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि ऑटोमेशन कर लें तो इसमें लेबर कम लगेंगे, तो कुछ ऐसा रहता है लेबर कम लगता है? लेबर तो नहीं कम लगता इसमें, लेबर तो जो लगना है वो लगते है, पर इसमें जैसे ड्रिप वगैरह पानी वगैरह चलाने का जो रहता है तो उसमें लेबर बच जाती है। जैसे अपन फ्लड करते हैं पानी नाली वगैरह से चलाते हैं उसमें लेबर लगते हैं, ड्रिप वगैरह से करेंगे तो उसमें लेबर नहीं लगेंगे, पानी ऑटोमेटिकली चलेगा। इसमें क्या है ऑटोमेशन में जैसे वाल रात में ही चेंज करना है, जैसे आना नहीं पड़ेगा, इसमें सेटअप कर दो किस टाइम चेंज करना है, पानी का नुकसान नहीं होता इसमें, सेटअप कर सकते हैं और उसको घर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलग से एक डिवाइस लगती है जिससे घर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये इंस्टॉल है इनमें जो डिवाइस आप? अभी ये इंस्टॉल नहीं है वो डिवाइस जो घर से कंट्रोल करते हैं। तो वो एक्स्ट्रा है उसका बजट रहता है? हाँ उसका 1 लाख के समथिंग एक्स्ट्रा बजट रहता है। तो इसमें हो जाती है? हाँ वो इसमें हो सकती है, हो जाती है इसमें। ओके, तो आपको वो बता देंगे कि अब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ भी खराबी तकनीकी खराबी जो भी रहता है? हाँ तो वो बता देता है जैसे वो, या तो फिर अपन जैसे कुछ होता है तो कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वो भी आके यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये साइट में जो लगा हुआ है तो ये वोल्टेज कंट्रोलर है? ये वोल्टेज कंट्रोलर है, जैसे ये ऑटोमेशन के लिए वोल्टेज वगैरह कम ज्यादा आते हैं इसके लिए वोल्टेज कंट्रोलर लगाया है 2 किलोवाट का। तो
ये डायरेक्ट जो अपने ट्रांसफार्मर लगाया उसके बाद भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम रहती है। हाँ रहती है, जैसे कुछ आ जाती है दिक्कतें, तो इसलिए ये इससे ऑटोमेशन को कुछ हाँ परेशानी। इसके अलावा कुछ किसानों को डाउट हो तो आप उनके कमेंट के रिप्लाई भी कर सकते हैं। रिप्लाई कर सकते हैं जो किसान पूछना चाहता है दिक्कत है कुछ। कुछ किसान जिनको कुछ प्रॉब्लम ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में और मिलते हैं कुछ नए वीडियो के, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।